Everyone, I welcome you in the next part of topic quadrilateral. Today we are learning family of quadrilaterals. Before we begin, I would like to ask you a very simple question: Where do you exactly live? Uh, so imagine if I ask you this question, one might say that uh, is living in uh, Nagara Park, maybe. But if I say that, what about Kolhapur? are you not living in kolhapur? then your answer may be yes, we are living in kolhapur. then uh, what if, if i ask you, are you not living in maharashtra? then yes, you are living in maharashtra. then uh, if i ask you, what about india? yes, your answer is yes, you are living in india as well. what about on the earth? right, so maybe, you are living in the on the earth as well okay so what if if i say that it is not only about earth it is about universe isn't it so you are living in universe okay so from naglapar to universe any answer if i give the answer is correct right so where do we live we are living on the earth That's correct we are living in india correct we are of maharashtra correct we are in Kolhapur, correct? We are in Park. it's correct? That means all these answers are correct, right? Now, uh, why I said all these things? So, this you will understand when I am talking about quadrilateral. So, in short time, you will understand the relation between the question of what I said and the quadrilateral and the family of quadrilateral. So, first of all, we will discuss about family of quadrilateral. तो फैमिली ऑफ कॉडोलैटल में सबसे पहले आते हैं ग्रैंड पा कैन से ग्रेट ग्रैंड पा ठीक है तो वो है कॉडोलैटल इट्स सेल्फ तो कॉडोलैटल ने अपनी फैमिली क्या कर दी शुरू कर दी ठीक है सबसे पहले कॉडोलेटल ने क्या किया अपना पहला बच्चा दैट इज ट्रपेजियम को सामने लाया ये रहा ट्रपेजियम वॉट इज द प्रोपर्ट ऑफ ट्रपेजियम ट्रपेजियम के अपोजिट साइड मतलब वन पेयर ऑफ अपजिट साइड इज पैरल ठीक है इवोल्यूशन हो रहा है है ना कॉडोलाइटल में इवोल्यूशन हो रहा है जैसे मंकीज टू ह्यूमन हुआ वैसे कॉरलाइटल में भी इवोल्यूशन हो रहा है तो कॉरिडेटल Cor ने क्या किया अपने जैसा नहीं होना चाहिए थोड़ा सा और बढ़ना चाहिए थोड़ा सा और ग्रो होना चाहिए पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए तो कॉडोलाटल ने क्या किया अपने बच्चों को थोड़ा सा पढ़ा लिखा बनाया और उसमें उसको नाम दिया उसका नाम क्या था ट्रेपेजियम राइट ऑफकोर्स वट वॉज द स्पेशलिटी ऑफ ट्रपेजियम इट वॉज अपोजिट साइड्स वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरल तो ट्रपेजियम ने क्या किया अपने जनरेशन् जनरेट किया एंड ही थाट के द नेक्स्ट जनरेशन शुड बी बेटर दैन नी इवन तो उसने क्या किया अपने अलग जनरेशन को जन्म दिया इट वॉज पैरलेलोग्राम और वट वॉज द स्पेशलिटी ऑफ पैरलोग्राम बोथ द पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स वेर पैरल पैरलेलोग्राम राइट right? पैलोग्राम ने क्या किया पैलोग्राम बहुत समझदार था यू वॉज वेरी इंटेलिजेंट उसने अपने तीन बच्चों को जन्म दिया पैलोग्राम के तीन बच्चे थे एक है रोम्बस दूसरा है रिक्टेंगल एंड तीसरा है स्क्वायर यह है मेरा फैमिली ऑफ कॉडोलैटर हर एक अपनी अपनी स्पेशलिटी है चलो देखते हैं वन बाय वन सबकी स्पेशलिटी रोम्बस की देखते हैं रोम्बस की स्पेशलिटी है कि इट हैज गॉट ऑल फोर साइड इक्वल ओके ऑफ कोर्स इट्स अ पैरोग्राम का बच्चा है तो इसके अपोजिट साइड इस तो सारे पैरोोग्राम के प्रॉपर्टीज तो होंगे लेकिन इसकी स्पेशल प्रॉपर्टी क्या है इसके ऑल साइड क्या है इक्वल है सेकेंड वन रेक्टेंगल की स्पेशल प्रॉपर्टी क्या है एक यूनिक प्रॉपर्टी रेक्टैंगल की इसके ऑल एंगल्स है नाइनटी डिग्री बाकी तो ये पैरोग्राम है ही वी नो दैट इट इज अ पैरोग्राम राइट स्क्वेयर की स्पेशल प्रॉपर्टी क्या है इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ रोम्बस एज वेल एज रेक्टेंगल इसका मतलब इसके ऑल साइड इक्वल है एंड इसके क्या है ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री राइट सो दिस इज व्हाट द स्क्वायर इज सो आई होप यू गॉट इट द फैमिली ऑफ द कॉरोलेटरल कैसे कैसे ये कॉरोलेटरल की फैमिली लेकिन इस फैमिली का एक सिंपल सा पार्ट है दैट वॉट यू नीड टू अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली लेट्स टॉक अबाउट अ स्क्र स्क्र आई कंसिडर द स्मॉलेस्ट चाइल्ड ऑफ द फैमिली ओके स्मॉलेस्ट चाइल्ड ऑफ द फैमिली जो कौ लाटली फैमिली है तो इमेजिन करो कि मैंने यहां पर स्क्वायर लिखा ओके okay? तो छोटा सा बच्चा है स्क्वाज रेक्टेंगल क्योंकि स्क्र के ऑल एंगल्स क्या है नाइन्टी डिग्री एंड दैट प्रॉपर्टीफाइड बाई रेक्टेंगल तो ये स्क्वेयर जो है वो रेक्टेंगल भी तो है ठीक है अभी देखो स्क् पैरोग्राम कैटेगरी एज वेल Isn't it? square is also a parallelogram, right? Square can be trapezium as well. So square, trapezium, bhi hai. Square quadrilateral to hai 100% quadrilateral So square is not just a square. It's a special name that square receives. But in fact, it is a parallelogram. It is a rectangle. It is trapezium. It is quadrilateral as well. Similarly all other also have got their other names okay their wider names so let us check each one in this manner let's talk about rectangle let's talk about rectangle is rectangle a square no rectangle cannot be a square because rectangle cannot follow all the properties of square because it has got all sides equal as well so rectangle cannot be square is rectangle can be a rhombus i can say can I say rectangle as a rhombus? No, because its property of having all sides equal, rectangle cannot satisfy. Okay, so rectangle is a parallelogram? Yes, rectangle is a parallelogram because uh, it has got opposite sides are parallel. Both the pairs of opposite sides are parallel. So it is a parallelogram. Is rectangle trapezium? Yes, one pair of opposite sides is parallel. Other thing it is not talking about, but one pair is parallel? Yes, it is a trapezium.

एंड क्लोज फिगर वी कॉल इट एज कॉर्डल तो ये कॉर्डोलैटल है ऑलरेडी है राइट इज जस्ट क्लियर आइडिया समझ में आ रही है द इट्स अ वेरी वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट वेरी वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ कॉर्डल एंड इट्स फैमिली ओके सो एंड इट्स प्रॉपर्टीज एज वेल तो हम लोग वन बाय वन हर एक के प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे एंड एट द सेम टाइम हम लोग क्या करेंगे वो लिख के रखेंगे ऑल द प्रॉपर्टीज़ तो मैं इसको सब इरेज कर देता हूँ क्लियर द पेज ठीक है सबसे पहले वॉट इज कॉडोलैटरल तो पहला पॉइंट है कॉडोलैटल ठीक है वॉट इज अ कोडोलैटरल सिंपल क्लोज कर विथ फोर साइड्स राइट सिंपल क्लोज कर विथ फोर साइड्स दिस इज वॉट वी कॉल एज अ कॉडोलैट्रल राइट सेकेंड और पॉलीगॉन विथ फोर साइड इज ऑल्सो डायरेक्ट आंसर पॉलीगॉन इल्फ इज सिंपल को सो पॉलीगॉन विथ फोर साइड्स वी साइड एज कैन बी करेक्ट आंसर नेक्स्ट वन ट्रपेजियम ट्रपेजियम क्या होता है इट्स अडोलैटल किस टाइप काटल है ये किस टाइप काटल है इट्स कॉर्डोलैटल विथ वन पेयर

पैलोग्राम पैलोग्राम के तीन बच्चे हैं एक है रेक्टैंगल राइट वॉट इज अ रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी ऑफकोर्स इज अ पैलोग्राम रेक्टेंगल इज अ पैलोग्राम बट विथ वन एंगल विथ वन एंगल नहीं ऑल एंगल्स विथ ऑल एंगल्स नाइन्टी डिग्री राइट फिफ्थ वन इमेजिनिफाइड गो फॉर रोम्बस क्या होता है रोम्बस की प्रॉपर्टी ऑल साइड इक्वल ऑफकोर्स इट्स अ पैरोग्राम इट्स अ पैलोग्राम विथ ऑल साइड इक्वल तो ये रेक्टेंगल भी पैरोग्राम है ये भी पैरोोग्राम है सिक्स वन स्क्वा स्क्वायर कैसे होता है इट्स ऑल साइड इक्वल एंड ऑल एंगल्स नाइन्टी डिग्री ठीक है और मैंने इस ऑर्डर में लिखा है अंडरस्टैंड देख लो स्क्वेयर जो है ये उसके ऊपर के सारे है मतलब स्क्येर रोम्बस है स्क्यर रिक्टेंगल है स्क्वेयर पैरोग्राम है स्क्वेयर ट्रिपेजियम है स्क्वायर कोरोल है सब कुछ है स्क्वायर ठीक है रोम्बस देखो रोम्बस रोमबस रेक्टेंगल छोड़ के ऊपर के सारे हैं पैलोग्राम है ट्रपेजियम है कॉडोलाइटरल है रेक्टेंगल देखो रेक्टेंगल इसके अबाउ सारे हैं मतलब रेक्टेंगल पैरोग्राम है रेक्टेंगल ट्रेपेजियम है रेक्टेंगल कोडोलैट्रल है पैरोग्राम इफ आई थिंक अबाउट इट्स अ ट्रिपेजियम एज वेल एज इट्स अ कॉडोलैट्रल एंड ट्रेपेजियम क्या है सिर्फ और सिर्फ कॉडोलेटल है स्पेशल टाइप ऑफ कॉडोलैटल क्लियर गॉट द पॉइंट आई एम जस्ट होपिंग दैट यू अंडरस्टूड इट इट हैज गॉट इट्स ओन स्पेशल प्रॉपर्टीज अबाउट इट्स डायगोनल एज वेल बिकॉज वैन वी थिंक अबाउट कॉरोलेटरल वी थिंक अबाउट साइड एंगल एज वेल एज डायगोनल तो डायगोनल के बारे में हम लोग डिस्कस कर सकते हैं लेकिन इन केस इफ इट इज रिक्वायर्ड इन द एक्सरसाइज अदरवाइज वी विल नॉट थिंक अबाउट इट तो शार्ट करते हैं एक्सरसाइज अपना तो इन द एक्सर लेटेज टॉक अबाउट के uh, कितना छोटा एक्सरसाइज हो गया टॉपिक खत्म हो जाएगा आज है ना चलो लेट्स स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स तो हम लोग यहां बिल्कुल भी कॉपी नहीं करना है, आपको, तो ये थोड़ा सा है ना पहला वाला ये इस सेकेंड वाले के सारे प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करना चाहिए ओके एक भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं कर रही है इसका मतलब ये फॉल्स है याद रखो

ऑल रोमबस आर पैरलोग्राम तो रोमबस पैरोग्राम के सारे प्रॉपर्टी कर प्रॉपर्टी क्या है अपोजिट साइडल रोमस के अपोजिट साइड इक्वल है क्या इक्वल है इसके तो सारे इक्वल है तो अपोजिट तो इक्वल होंगी हम बाद में रखते हैं इज ऑल स्क्स आर रोम्बस मतलब स्क्वायर शुड फॉलो द प्रॉपर्टीज ऑफ रोम्बस रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या है ऑल साइड इक्वल है क्या स्क्वायर में यस yes, है तो ये करेक्ट है पहला वाला तो करेक्ट है स्टेटमेंट दूसरा वाला देखते हैं ऑल स्क्वेयर्स आर रेक्टेंगल ओके ऑल स्क्वेयर्स आर रेक्टेंगल रेक्टेंगल क्या है ऑल एंगल्स आर नाइन्टी डिग्री स्क्र के ऑल एंगल्स नाइनटी आई है तो इसका मतलब ये भी क्या है स्टेटमेंट करेक्ट है ऑल स्क्वेयर्स आर नॉट पैरलोग्राम तो नॉट वर्ड अगर मैंने निकाल दिया ऑल स्क्वेयर्स आर पैरलोग्राम मतलब स्क्वायर शुड फॉलो ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ पैलोग्राम तो ये तो करेक्ट है क्योंकि उसके बच्चा ही है ना फैमिली है फैमिली में याद रखो वो क्या है उसके प्रॉपर्टी फॉलो करता है फैमिली में ठीक है याद रखो इस चीज़ को तो पैलोग्राम ऑल स्क्वेयर्स फॉलो द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरोग्राम दर इज नो इशू बट यहाँ पे तो नॉट लिखा है इसका मतलब ये क्या है अगर मैंने ये नॉट लिया कंसिडर किया तो ये क्या है फॉल्स है स्टेटमेंट ऑल स्क्वेयर्स आर पैलोग्राम बट यहाँ पे तो नॉट लिखा है तो आई हैव टू कैंसिल इट ऑल काइट आर रोमबसेस तो काइट के बारे में डिस्कस करते हैं सबसे पहले काइट क्या होता है इसके एडजसन साइड इक्वल होते हैं मैंने इससे पहले बताया होगा आपको ये बात मे बी इन प्रीवियस एक्सरसाइज आई टॉट यू काइट क्या होता है इसके एडज साइड्स इक्वल होते हैं याद रखो चलो ठीक है अभी याद रखो काइट क्या होता है एडजस्टन साइड इक्वल होता है तो ऑल काइट्स आर रोम्बसिस ओके तो काइट शुड फॉलो प्रॉपर्टी ऑफ रोमबस काइट शुड फॉलो प्रॉपर्टी ऑफ रोमबस रोमबस की प्रॉपर्टी क्या है कि इसके ऑल साइड इक्वल होते हैं काइट के ऑल साइड इक्वल होते हैं क्या नहीं है तो ये फॉल्स है ठीक है रोमबस आर काइट रोमबस शुड फॉलो द प्रॉपर्टी ऑफ काइट ओके प्रॉपर्टी ऑफ काइट क्या है एडजन साइड इक्वल है रोमबस के एजेसन साइड इक्वल होते हैं क्या यस yes, उसके ऑल साइड इक्वल होते तो एजेसन तो इक्वल होंगे तो ये क्या है ऑल पैरोग्राम्स आर ट्रपेजियम पैरोग्राम शुड फॉलो द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रपेजियम यस एक पेयर इक्वल है तो सारे एक पेयर पैरल है तो सारे पैरल होंगे तो नो प्रॉब्लम ऑल स्क्स आर ट्रपेजियम यस देख लो शुड फॉलो प्रॉपर्टी ऑफ ट्रपेजियम की प्रॉपर्टी बहुत बेसिक है एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड शुड भी तो सारे पैरल है पेयर ऑफ अपिट सर तो हो गए आर यू अंडरस्टैंडिंग तो एक हिंट याद रखो कि फर्स्ट वन शुड सेटिस्फाई द प्रॉपर्टी ऑफ सेकेंड लेकिन ये आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा ये आपको खुद से सॉल्व करना पड़ेगा खुद से रीड करके सॉल्व करो ठीक है तभी यह क्वेश्चन सॉल्व करना आएगा आपको आइडेंटिफाई हैव फोर राइट एंगल राइट एंगल मतलब नाइनटी uh, तो तो डिग्री uh, right right मतलब तो क्या होगा रेक्टैंगल स्क्वायर इजी है कुछ नहीं एक्सप्लेन हाउ द स्क्वायर इज कॉर्डिलेटर मतलब क्या क्यों है वो कॉर्डिलेटर बिकॉज इट हैज गॉट फोर साइड्स एंड इट्स अ क्लोज सिंपल कर्व स्क्वेयर हैज गॉट अ फोर साइड एंड इट हैज फोर सिंपल क्लोज सिंपल कर्व देर फोर इट इज अ कॉर्डिलेटर पैराोग्राम अफफोर्स इट हैज गॉट बोथ द पेयर्स ऑफ साइड्स अपोजिटिइ अर फोर इज अ पेराग्राम अरोबस अफको इट हैज गॉट ऑल साइड्स इक्वल देर फो इट इज अ रोम्बस एंड रेक्टेंगल अफकोर्स इट हैज गॉट ऑल एंगल्स नाइंटी डिग्री देर फोर इज अ रेक्टेंगल राइट right? सबसे छोटा बच्चा ये सब है ट्रपेज भी है इनफैक्ट सब कुछ है ओके okay? समझने की कोशिश करो नेम द हाँ ये है कॉडोलैट्रल के बारे में डायगोनल uh, के बारे में इसके बारे में हम लोग एंड में डिस्कस करते हैं अब मतलब इसके बाद ठीक है एक्सप्लेन वाई अ रेक्टेंगल इज अ कॉन्वेक्स कॉरिलैट्रल रेक्टेंगल कॉन्वेक्स कॉरलेट्रल क्यों है बिकॉज इट्स ऑल एंगल्स आर नाइन्टी डिग्री

एंगल्स ऑल एंगल्स आर लेस देन एटी देर इट्स अ कॉन्वेक्स कर दैट्स इट ठीक है ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्राएंगल ओके कहा गया यहाँ पे राइट एंगल ट्राएंगल ठीक है ओ इज अड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ अपोजिट टू द राइट एंगल मतलब ओ इज अड पॉइंट ऑफ ए सी ऐसे दिया एक्सप्लेन वाई ओ इज इक्वी फ्रॉम ए बी एंड सी ओके okay, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है मुझे भी बहुत अच्छा लगा ये क्वेश्चन चलो मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्टली exactly क्या है ये क्वेश्चन बट बिफोर वी गो फॉर दिस क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल डायगोनल हम लोग कर लेते हैं एंड देन ये भी डायगोनल पे बेस्ट ही प्रॉपर्टी है तो चलो देखते हैं डायगोनल के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं हाउ इज डायगोनल ऑफ ऑल दिस कॉरिलैटल ओके ये बहुत इंटरेस्टिंग uh, सी बात है सबसे पहले सिंपल सा कॉडिलैटल अगर कोई भी सिंपल कॉरिलैटल है तो उसके डायगोनल जो होते हैं डायगोनल जो होते हैं दो इज जस्ट इंटरसेक्ट इच अदर इन साइड दैटरल तो ये हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट सेकेंड इनकेस इफ आई टेक ट्रपेजियम हैज गॉट नो स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ कॉडलेटरल इट अगेन क्या करता है इंटरसेक्ट इन साइड द कोरिट्रल थर्ड वन इफ आई टेक अ पैरलग्राम नो दैट पैलोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है डायगोनल्स बाइसेक्ट टीच अदर तो यहां से प्रॉपर्टी आना शुरू हो जाता है डायगोनल्स बाईसेक्स ठीक है थर्ड फोर्थ वन ई फाइव टेक एज कैन टेक रेक्टेंगल विल टेक अ रेक्टेंगल वेन इट कम्स टू रेक्टेंगल ऑफकोर्स डायगोनल बायसेकट बाइसेक्स आई होप नो बायसेक्शन बाईसेक्शन मतलब क्या हो जाता है ये इक्वल हो जाता है ठीक है डायगोनल बायसेक्ट जैसे पैलोग्राम है ऑलरेडी रेक्टेंगल इज ऑल्सो पैलोग्राम यहां पर और एक चीज होती है डायगोनल्स आर इक्वल डायगोनल्स आर इक्वल अगर रेक्टेंगल में डायगोनल इक्वल है तो स्क्वायर में भी होगा राइट तो स्क्वायर आल्सो हैज गॉट सिमिलर प्रॉपर्टी कि डायगोनल्स क्या हो जाते हैं अदर, ऑफ कोर्स डायगोनल्स आर इक्वल एज वेल रोमबस देखते हैं सिक्स्थ वन रोमबस रोम्बस हैज गॉट अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी

रोमबस एंड लेटमी डेल यू एज आई एव सीड के स्क्वायर फॉलो रेक्टेंगल एज वेल एज रोम्बस के प्रॉपर्टीज सबसे छोटा है वो वो दोनों की प्रॉपर्टी फॉलो करता है तो इसके लिए भी यहाँ पर क्या होगा डायगोनल बाइसेक्ट होगा डायगोनल्स इक्वल होंगे एंड दे आर पर पेंडिकुलर तो तीनों के तीनों प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर ये फॉलो करेगा ठीक है समझ में आ गया इज इज़ क्लियर तो हम लोग इसका एक चार्ट बना देते थे सो दैट दैट चार्ट विल हंड्रेड परसेंट नेक्स्ट uh, पेज पे लेता हूँ तो ये सो दैट यू विल इट ठीक है चार्ट बना देते हैं चार्ट क्या है देखो हम लोग यहाँ पे कॉडोलैट्रल लिखेंगे नहीं यहाँ पे हेडिंग आएगा ठीक है हैटरल ट्रपेजियम पैरलोग्राम रोमस नहीं रेक्टेंगल लेंगे रेक्टेंगल रोमस एंड स्क्वायर ठीक तो ये मैं टेबल बना देता हूँ कंप्लीट कर देता हूँ यहाँ पे होगा मे बी ज अबाउट एंग साइड्स दिस इज अबाउट एंगल्स एंड दिस इज अबाउट डायगोनस ठीक है तो यहां पर होगा साइड्स यहाँ पे होगा एंगल्स एंड यहाँ पे होगा डायगनस ठीक है तो ये हो जाएगा आपके ऑल द प्रॉपर्टीज इन वन गो चलो देखते हैं क्या क्या, -क्या लिख सकते हैं कॉरिदार के बारे में साइड्स के बारे में क्या होता है फोर साइड्स तो वो इक्वल होता है नॉट इक्वल होता है वो तो मुझे पता नहीं तो जस्ट फोर साइड्स एंगल के बारे में अगर देखा जाए तो कुछ नहीं है स्पेशल कुछ नहीं है ठीक है डायगोनल के बारे में कुछ स्पेशल नहीं है तो चल बहुत सिंपल है परेशान बिल्कुल नहीं कर रहा है ट्रपेज थोड़ा परेशान करता है साइड्स वन पेयर पैरल ठीक है एंगल्स के बारे में कुछ है कुछ भी नहीं है डायगोनल के बारे में कुछ है नहीं है ाम क्या होता है टू पेयर पैरल एंड टू पेयर इक्वल दैट इक्वल अपोजिट सर इक्वल आई कैन से एंगल के बारे में बहुत कुछ मालूम है जैसे कि एडजस्टेड एंगल सप्लीमेंट्री एंड अपोजिट एंगल इक्वल ठीक है डायगोनल के बारे में क्या पता है बाइसेक ठीक है रिक्टेंगल के बारे में लेट्स टॉक अबाउट रेक्टेंगल रेक्टेंगल के बारे में मुझे क्या पता है साइड side साइड्स क्या है पैरल uh, तो है ही बिकॉज इट्स पैलोग्राम तो पैरल नहीं लिखेंगे अभी अपोजिट साइड्स इक्वल है नॉट ऑल साइड्स इक्वल अपोजिट साइड इक्वल एंगल के बारे में क्या पता है

इसके जो एंगल्स है दैट फॉलो द प्रॉपर्टीज ऑफ पैलोग्राम तो पैलोग्राम की प्रॉपर्टीज तो ये फॉलो करेगा मतलब एडजैसिट एंगल्स है सप्लीमेंट्री क्योंकि ये पैलोग्राम भी तो है ना अपोजिट एंगल्स आर इक्वल ये फॉलो करेगा ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ पैलोग्राम सेम लाइक दैट डायगोनल डाइगोनल बाइसेकट्री अदर एंड दे आर परपेंडिकुलर मतलब दे आर नाइनटी डिग्री टू अदर ठीक है स्क्वायर के बारे में देखते हैं ऑल साइड्स इक्वल एंगल्स नाइंटी डिग्री डायगनल बाइसेक्ट इक्वल एंड परिकुलर तीनों के तीनों ठीक है तो दिस चार्ट विल हेल्प यू आई हैव रिटन दिस चार्ट इन शॉर्ट बिकॉज इट वॉज इन दीडियो बट यू कैन राइट इन अ प्रॉपर वे टू नो ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ कॉडलैटल ओके सो बेस्ड ऑन दिस लेट इस अंडरस्टैंड द

पेंडिकुलर बाय ऑफ इच तो कुछ के होते हैं परपेंडिकुलर रोमबस के तो इट इज रोमबस इक्वल ऐसे बोला है ठीक है इक्वल तो दोनों के होते हैं एक तो रेक्टेंगल एंड दूसरा क्या है स्क्वायर ठीक है तो यू कैन राइट इन दिस वे नो प्रॉब्लम गॉट इट सो जितने भी आपको पता है आंसर दैट यू कैन प्रॉपरली मैंशन लुकिंग एट द चार्टो प्रॉब्लम ठीक है अभी एक कॉन्सेप्ट रह गया था वो था सिक्स वन देख लो सिक्स वन कॉन्सेप्ट कैसा है डॉटेड लाइंस ड्रॉ किए करके दिए हुए हमें हमें दिया क्या था आई आई एक्सप्लेन यू एक राइट एंगल ट्रा है ए बी सी एंगल बी नाइन्टी डिग्री है ठीक है अभी क्या किया है बी सी को पैरल यहाँ पर ड्रॉ किया ए डी वो लिखा नहीं उधर बट मैं बोल रहा हूँ आपको कि बी सी को पैरल यहाँ पर ड्रॉ किया एंड डी सी इज़ पैरल टू ए बी किया नाउ वॉट इज़ हैपनिंग बिकॉज ऑफ दैट

तो इफ इट इजेंगल इट कैन फॉलो ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल तो रेक्टेंगल की डायगोनल की प्रॉपर्टी क्या है क्लियरली बी डी इज इक्व टू ए सी एंड ऑफकोर्स दे बायसे बी डी इज इक्वल टू ए सी क्यों है क्योंकि डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल है एंड रेक्टेंगल के डायगनल क्या होते हैं इक्वल होते हैं राइट right? अभी चेक करो कि एज इक्वल टू ओ सी तो होगा ही बट ए ओ इज इक्वल टू ओ सी एंड बी ओ इक्वल टू ओ डी ये क्यों है भाई क्योंकि तो डायगोनल बायसेक भी कर रहे हैं ओके okay? इक्वल तो है ही ऑलरेडी समझने की कोशिश करो। मैं क्या बोल रहा हूँ अभी आपको समझ में आएगा इमेजिन करो कि ए सी टेन सेंटीमीटर है जस्ट इमेजिन ए सी टेन सेंटीमीटर है तो मैं कुछ वैल्यूज़ आपको पूछता हूँ देखो आपको समझ में आता है क्या इफ़ ए सी इज़ टेन सेंटीमीटर बी डी विल बी श्योरली टेन सेंटीमीटर ए कितना हो जाएगा फाइव है ना हाफ ऑफ द ए सी ओ डी कितना हो जाएगा फाइव ओ सी कितना हो जाएगा फाइव एंड बी ओ कितना हो जाएगा फाइव तो डोंट यू थिंक कि ये सारे इक्वल होंगे सो देर फोर देर फोर लेट मी टेल यू ए ओ इज इक्व टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी क्योंकि इक्वल भी है एंड बायसेक भी कर रहे हैं तो दोज आर गोइंग टू बी इक्वल ठीक है ओके एनी वे एट द एंड ऑफ द वीडियो आई एम टेलिंग यू दिस इज डन ना देर आर सम डाउट्स ओके आई आई कुड सी इन द चार्ट आई गॉट सम डाउट सो दैट डाउट आई विल सेपरेट वीडियो ठीक है सो डोंट वरी राइट नाउ गेट दिस कंप्लीट देर इज़ नो सोल्यूशन एज सच इट्स ईजी नॉट डिफिकल्ट एट ऑल थोड़ा सा दिमाग को स्ट्रेस आता है आई नो दैट टू नो ऑल दिस थिंग्स बट एक बार वो चार्ट बना दोगे दो थिंग्स आर गोइंग टू बिकम वेरी वेरी सिंपल फॉर यू तो थैंक यू सो मच बाय बाय सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो